हेलो एवरीवन, दिस इज गणेश। ब्लॉग ऑलरेडी शूट किया हुआ है, हम जस्ट अभी यहाँ पे इंट्रो शूट कर रहे हैं। जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का प्रोजेक्ट था जिसमें हमें शॉर्ट फिल्म शूट करनी थी, और वो जो शॉर्ट फिल्म थी वो एक्चुअली मेरे दोस्त ने रूरल एरिया के हिसाब से लिखी थी। सो हमें जो लोकेशंस थे वो भी उस हिसाब से चाहिए थे, घर हो गया और भी बाकी चीज़ें हो गई। तो हम जब लोकेशन सर्च करने के लिए निकलते थे ना, तब मैं छोटे छोटे क्लिप शूट करता था और मैं सोचता था मैं कोई ब्लॉग बनाऊंगा और उसमें अपलोड करूंगा। तो अभी वो जो ब्लॉग होने वाला है, वो ब्लॉग होने वाला है जो हमारा, हमने जो शॉर्ट फिल्म शूट करी, सो उसके जो भी हमारी प्रोसेस थी। ज़्यादा मैंने कोई शूट नहीं किया है, बस दो वीडियो निकलेंगे। एक तो ये वीडियो निकलेगा, मतलब अपलोड हो गया, सॉरी, जिसपे हम जो हमारे लोकेशंस हमने जो भी सर्च करे थे वो आप लोग देखेंगे उस ब्लॉग में। और सेकंड ब्लॉग में जो हमने शूट किया था, कि हमने कैसे शूट किया, वो आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, और एक बात गाइज, आई नो हम लोगों ने जितने भी लोकेशन सर्च किया उस हिसाब से ये ब्लॉग कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बस इस ब्लॉग में ये सब अपलोड कर रहा हूँ जो मैं इस ब्लॉग में ये सब ऐड कर रहा हूँ जो मेरे कैमरा में था, ओके, जो मैंने शूट किया था। बट हम काफ़ी सारे और लोकेशन पे भी गए, कुछ लोकेशन पे तो मैं नहीं गया था, हमारे जो टीम के लोग थे वो गए थे। सो मेरे कैमरे में जितना था उतना ही हम बस इस ब्लॉग में ऐड कर रहे हैं, और बस आप लोग, मतलब जो भी मेरे दोस्त थे वो भी बस कुछ बुरा मत मानना, क्योंकि हाँ मेरे पास जो भी था वो मैंने बस ऐड किया इस ब्लॉग में, ओके। और ऑलरेडी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है गाइस, मतलब अक्टूबर में हमने शूट किया था 29, 30, 30 उनको, और अभी फिफ्थ है, मतलब ऑलमोस्ट यार नवंबर दिसंबर जहाँ 3 to 4 months हो गए होंगे। तो ये ब्लॉग एंजॉय कीजिए, और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। गाइस अभी हम लोकेशन देखने जा रहे हैं, मैं एक्चुअली काफ़ी लेट हुआ हूँ, और उन लोगों ने ऑलरेडी एक लोकेशन देखा है। एक्चुअली हम यूनिवर्सिटी में ही है और एक लोकेशन देख रहे हैं। मेरा दोस्त मिला था मुझे, सो मैंने सोचा उसको भी लेके जाए, सो अभी हम उसके गाड़ी में जा रहे हैं लोकेशन देखने के लिए। तुम लोगों ने वो गोल मार्केट का वो जो, हाँ वो बहुत सही है, हरियाली हरियाली, ये नहीं अंदर वाला, नहीं वो जो पीछे वाला जो आगे रोड जाता है, तुझे भी लग रहा है ना? कौन सा, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वाला? मैं नहीं था। नहीं नहीं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साइड का तू गया है क्या? नहीं, उसने मुझे बोला था साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के पास। सबसे बेस्ट मुझे वही लग रहा है। तो भाई जब हम लोकेशन देखने जा रहे हैं, ये है हमारे डिपार्टमेंट के कोंडे मामा ब्लॉग। अभी हम घर का लोकेशन देखने के लिए जा रहे हैं, और जो हमारे स्टोरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है। सो हमें गांव में जैसे घर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे घर चाहिए। हाँ, घर है बघायला भेटेल का आज मध्ये लाव गाडी कोणी काका जिंदाबाद। फक्त ऐन टायमिंगला शूटिंगच्या वेळेस नाही नाही म्हणाय पाहिजे त्यांनी, तोच विषय नाही नाही म्हणून तर म्हणलं तारीख मी तेवढा विचारलं की म्हणजे मग तसं बोलायला त्यांना। त्यांना कसं होतं तुमची दिवसाची चालणार की रात्री? एकच रात्र आहे, बाकी 2 दिवस। यहाँ पे कोई भी नहीं था, सो किसी से बात नहीं हो पाई, और ये घर मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगा। तो फिर हम दूसरा घर देखने के लिए चले गए। नीट चालो काय वाटलं तर आहेच मी पाय म्हणजे समजलं का पाय पूर्ण टेकतात माझे। खेडेगावात मोस्टली असतात असं। वरती कौलं आहेत का ग? रिस्पॉन्स दिसतोय म्हणजे ते दोघ जणच आहेत ना, आज
काही एवढे त्रास नाही होणार आपल्याला होऊन जाईल. अभी जो हमने घर देखा ना वो स्टोरी के हिसाब से ठीक जा रहा था और हमें भी पसंद आया. क्लासरूम के लिए हमारे स्टोरी में ना एक क्लासरूम का सीन था, तो अभी हम मराठी डिपार्टमेंट में आए हैं क्लासरूम देखने के लिए. वैसे हम वो सीन स्कूल में ही शूट करना चाहते हैं, बट अगर वहाँ पे हमें परमिशन नहीं मिलती तो फिर सेकंड ऑप्शन हमारा ये होने वाला था. हमारे शॉर्ट फिल्म में जो घर के सीन्स है वो हमने इस घर में शूट करे. और यार हमने काफ़ी जगह पे ढूंढा ऐसा घर, बट हमें मिला नहीं, क्योंकि हम रूरल एरिया में जाके नहीं शूट करना चाहते थे. हम पुणे के आसपास ही या वैसे यूनिवर्सिटी में ही मिला ये घर हमें, तो हमने वहाँ पे वो शूट किया. अभी इस घर का मैं आपको क्या बोलते हैं टूर बोलूँ या फिर जो भी है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख लो. वैसे आप सेकेंड वीडियो में देखोगे ही एक्चुअल शूट हमने किया है. जो फेस म्हणून मला असं वाटतं की जे सेटअप आहे ना तेच राहू दे. आई समजा इथे ना इथे डबे असलेच पाहिजेच नाही, इथे झाड आणि सूप घेऊन करणे कॉल पाठवणं किती वाट लागेल बाहेर से खुलेगा अंदर से अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा और जो भी आप लोगों के माइंड में थॉट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, कुछ सजेशंस देने होंगे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगले ब्लॉग में आप लोग देखेंगे जो हमने एक्चुअल शूट किया है उसके कुछ BTS वीडियोज़.